नमस्कार, मैं हूं अभिषेक त्यागी। जैसे ही रिंकू सिंह ने मैच जिताया, श्रेयस अय्यर ने उनको फोन मिलाया और कहा, भाई गदाधारी भीम, आपने तो कमाल करके रख दिया। जी हां, रिंकू सिंह की इस वक्त चर्चा है। जिस तरीके की बल्लेबाजी रिंकू सिंह ने की है, जिस अंदाज में रिंकू सिंह ने मैच जिताया है, उसकी इस वक्त चारों तरफ चर्चा है। हर तरफ रिंकू सिंह की तारीफ हो रही है। और जैसे ही रिंकू सिंह ने मैच जिताया था, आपने वो तस्वीरें भी देखी होंगी, नीतीश राणा भागे हुए चले आए थे, रिंकू सिंह को गले लगा लिया। केकेआर के कोच जो है चंद्रकांत पंडित, उन्होंने रिंकू सिंह को गले लगाकर रोने लगे, आंखों से आंसू निकल आए, पूरी टीम ने रिंकू सिंह को घेर लिया। जाहिर तौर पर ये बहुत भावुक पल थे केकेआर के लिए, बहुत यादगार पल थे केकेआर के लिए, और इन पलों को केकेआर कभी नहीं भूलेगी। शाहरुख खान अगर आज मैदान पर होते तो शाहरुख खान की आंखों से आज आंसू निकल आते, जिस अंदाज में रिंकू सिंह ने मैच जिताया। क्योंकि शाहरुख खान रिंकू सिंह को बहुत पसंद करते हैं, उनके खेल को बहुत पसंद करते हैं, इसीलिए रिंकू सिंह को आज शाहरुख खान अपने गले से लगा लेते। लेकिन केकेआर के कोच चंद्रकांत पंडित ने उनको गले से लगाकर ऐसे लगा कि जैसे एक भगवान मिल गया हो, क्योंकि रिंकू सिंह ने कमाल की बल्लेबाजी की। लेकिन इस बल्लेबाजी के बाद, इस मैच के बाद, जो केकेआर के कप्तान थे श्रेयस अय्यर, उन्होंने रिंकू सिंह को फोन मिलाया और रिंकू सिंह से बात की और उनको बधाई दी। जीत के हकदार रिंकू सिंह से कहा कि आपने बहुत कमाल की बल्लेबाजी की, क्योंकि आपको पता है कि केकेआर के पूर्व मतलब कप्तान जो है पूरी तरीके से वो श्रेयस अय्यर हैं, लेकिन चोट की वजह से श्रेयस अय्यर टीम के साथ नहीं है। अगर श्रेयस अय्यर आज मैदान पर होते तो वो भी रिंकू सिंह की इस बल्लेबाजी पर गर्व महसूस करते, फख्र महसूस करते। जिस तरीके से नीतीश राणा भागे हुए आए हैं रिंकू सिंह को गले लगाने के लिए, उसी तरीके से श्रेयस अय्यर भी भागे हुए आते नीतीश रिंकू सिंह को गले लगाने के लिए। तो जाहिर तौर पर आज केकेआर के जश्न की रात है। आज केकेआर कभी नहीं भूलेगी आज की रात को, शाहरुख खान कभी नहीं भूलेंगे, केकेआर का खेमा कभी नहीं भूलेगा, क्योंकि जो काम आज तक कोई नहीं कर पाया वो काम रिंकू सिंह ने करके दिखाया है और वो इतिहास रच दिया जिस इतिहास के बारे में कोई सोच नहीं सकता। आईपीएल के इतिहास में कभी भी 28 रन आखिरी ओवर में नहीं बने हैं। तो रिंकू सिंह 2022 की देन, 2022 में भी रिंकू सिंह ने इस तरीके के कारनामे करके दिखाए थे। 2022 की देन है रिंकू सिंह, और 2023 में जो ये बम फूटा है, उस बम की आवाज आज पूरी दुनिया सुन रही है। तो आपका रिंकू सिंह की बल्लेबाजी पर और जिस तरीके से केकेआर ने जश्न मनाया आज की जीत का, उसको लेकर क्या कहना है, कमेंट करके बताइएगा। क्या आपको लगता है कि रिंकू सिंह के रूप में केकेआर को दूसरा आंद्रे रसल मिल गया है, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू वेरी मच।